बच्चों स्वागत है आपका डीपीएस सिरसा के गूगल क्लासरूम ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे गूगल क्लासरूम को अपने मोबाइल में चला सकते हैं। बच्चों इसके लिए आपको अपने मोबाइल में कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी पड़ेंगी। आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड की हुई हैं। सबसे ऊपर है गूगल क्लासरूम, फिर गूगल मीट, गूगल डॉक्स, गूगल शीट और गूगल फॉर्म। तो बच्चों इसके लिए आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर में जाना है। तो बच्चों मैं चलता हूं एंड्रॉयड ऐप स्टोर में। आपने प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में सबसे पहली एप्लीकेशन गूगल क्लासरूम को सर्च करना है। आप देख सकते हैं गूगल क्लासरूम सर्च का रिजल्ट। गूगल क्लासरूम पर क्लिक करता हूं तो बच्चों ये है सबसे पहली एप्लीकेशन जिसे आपने डाउनलोड करना है। अब हम चलते हैं दोबारा सर्च बॉक्स में। बच्चों सेकंड एप्लीकेशन के लिए आपने गूगल डॉक्स टाइप करना है। ये है गूगल डॉक्स, इस एप्लीकेशन को भी आपने डाउनलोड करना है। अब चलते हैं फिर से सर्च बॉक्स की तरफ। बच्चों अब आपने गूगल मीट लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये है गूगल मीट, तो बच्चों आपने इसे भी डाउनलोड करना है। मैं फिर से सर्च बॉक्स की तरफ चलता हूं। बच्चों अब आपने टाइप करना है गूगल फॉर्म्स, ये है गूगल फॉर्म की एप्लीकेशन, इसे भी आपने डाउनलोड करना है। बच्चों ये है गूगल शीट्स की एप्लीकेशन, ये ऑप्शनल है, इसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मैं चलता हूं होम स्क्रीन पर। तो बच्चों सबसे पहले आपने गूगल क्लासरूम को ओपन करना है। अब मैं सबसे पहले गूगल क्लासरूम को ओपन करता हूं। मैंने गूगल क्लासरूम ऑलरेडी एक ईमेल आईडी से लॉगिन किया है, लेकिन जब आप पहली बार गूगल क्लासरूम लॉगिन करेंगे तो जो आईडी आपको स्कूल से दी गई है वो आईडी आपने फिल करनी है। आपने लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर ऑप्शन स्क्रीन पर जाना है। ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ऊपर से आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है ऐड अनदर अकाउंट, आपने सेटिंग्स में जाकर के गूगल में एक और गूगल अकाउंट ऐड करना है। थोड़ी देर में आपके पास साइन इन की स्क्रीन आती है। यहाँ पे आपने वो ईमेल आईडी ऐड करनी है जो आपको स्कूल से मिली है। मान लीजिए मैं अपनी स्टूडेंट डेमो आईडी एंटर करता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड डालना है। बच्चों अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपका पासवर्ड आपके मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है। अब देख सकते हैं कि मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब मुझे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं आपने आई एग्री करना है और थोड़ी देर में आप गूगल क्लासरूम में एंटर हो जाएंगे। बच्चों आप देख सकते हैं कि आप अपनी क्लासरूम में आ गए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपको आपके सारे सब्जेक्ट की क्लासेस दिखाई देंगी और आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा। बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके सब्जेक्ट टीचर के द्वारा दिया गया होमवर्क आप कैसे देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास डेमो क्लास है तो आपने डेमो क्लास के ऊपर क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक किया। बच्चों आप देख सकते हैं कि आपके पास बिल्कुल बॉटम लाइन में बिल्कुल नीचे तीन ऑप्शंस हैं, स्ट्रीम, क्लासवर्क और पेपल का। स्ट्रीम में बच्चों आपको आपके सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि एक असाइनमेंट क्रिएट हुआ है, व्हाट इज सोलर सिस्टम, 5:09 पे। उससे पहले भी एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ है, उससे पहले भी आपके टीचर प्रगतिपुरी ने कुछ मैसेज दिया है। तो बच्चों आपको जितने भी मैसेज होंगे वो आपको स्ट्रीम में शो करेंगे। बच्चों आप ऊपर यहाँ पर एक शेयर विद योर क्लास ये ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपकी पूरी क्लास को दिखाई देगा। मान लीजिए मैं लिखता हूँ। बच्चों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने अपना मैसेज लिख दिया है, थैंक्स फॉर एडिंग मी इन दिस क्लास। मान लीजिए आप इस मैसेज के साथ कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं तो ऊपर पिन बटन पर आपने क्लिक करना है।
आपके पास एक ऑप्शन स्क्रीन आएगी, आप अपने गूगल ड्राइव से कुछ ऐड कर सकते हैं, कोई लिंक ऐड कर सकते हैं, या फिर फाइल बटन में जाकर के आप कोई भी फाइल अपने फ़ोन की ऐड कर सकते हैं। वो इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, कुछ भी। आप एक फ़ोटो भी ले सकते हैं, एक वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक नई पीडीएफ फाइल भी ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल ऑप्शनल, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो बच्चों अभी मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ और मैं सेंड बटन पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि आपका मैसेज क्लास में पोस्ट हो गया है जो सभी स्टूडेंट्स को और टीचर्स को दिखाई देगा। बच्चों अब आता है सेकंड ऑप्शन, टीम के साथ बिल्कुल नीचे क्लास वर्क। अब मैं क्लास वर्क में चलता हूँ। बच्चों ये है क्लास वर्क की स्क्रीन, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट टीचर जो भी आपको होमवर्क देंगे वो यहाँ पर दिखाई देगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कोई भी दिया हुआ होमवर्क आप कैसे देख सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं सबसे ऊपर दिए हुए होमवर्क को व्हाट इज सोलर सिस्टम पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि ये होमवर्क जो है 100 पॉइंट्स का है, मतलब 100 नंबर का है। बच्चों नीचे आप देख सकते हैं कि योर वर्क असाइन, योर वर्क असाइन में आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको एक अटैचमेंट दिखाई देगी और आपने उस अटैचमेंट पर क्लिक करना है। बच्चों ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा कि आपके सब्जेक्ट टीचर ने आपको कौन से असाइनमेंट भेजे हैं। अब मैं इस अटैचमेंट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इस अटैचमेंट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने आपका होमवर्क ओपन हो जाएगा। बच्चों आप देख सकते हैं कि आपके पास दो क्वेश्चन है, व्हाट इज सोलर सिस्टम, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर इन द सोलर सिस्टम। बच्चों आपको अपना होमवर्क सॉल्व करने के लिए आपने पेंसिल के बिल्कुल साथ वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करते हैं, आपका डॉक्यूमेंट गूगल डॉक्स एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप इस फाइल में अपना आंसर लिख सकते हैं। आपको आंसर लिखने के लिए नीचे दिए हुए पेंसिल बटन पर क्लिक करना है। बच्चों आप देख सकते हैं कि मैंने अपना फर्स्ट आंसर लिख दिया है और मैं सेकंड आंसर पर जाना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ अपना, बच्चों आप देख सकते हैं कि मैंने अपना आंसर लिख दिया है और मैं अपने आंसर को सेव करने के लिए बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए टिक बटन पर क्लिक करूंगा। मैंने टिक कर दिया है, अब मुझे क्रॉस करना है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए बटन के ऊपर क्रॉस करना है और अब मैं बैक चाहता हूँ। तो बच्चों ये मैंने अपना असाइनमेंट सेव कर दिया है। बच्चों मान लो आपने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है और आप अपने असाइनमेंट के साथ अपने नोटबुक की फ़ोटो भेजना चाहते हैं, तो आपने ऐड अटैचमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने ऐड अटैचमेंट पर क्लिक करते हैं, आपके पास फिर वही बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जो हमने स्ट्रीमर देखे थे। बच्चों जैसे ही आप अपने ऐड बटन पर क्लिक करते हैं, आपके पास ऑप्शन आता है टेक फोटो का और इस तरीके से आपने अपना कैमरा ऑन करके आप अपने सॉल्व होमवर्क की फोटो क्लिक कर सकते हैं। फोटो क्लिक करने के बाद आपने टिक बटन पर क्लिक करना है। थोड़ी देर में आपकी फोटो अटैच हो जाएगी। बच्चों आप देख सकते हैं कि आपकी फोटो अटैच हो गई है और अब आपने अपने होमवर्क को वापस करना है, मतलब अपने टीचर को वापस देना है। इसके लिए आपने टर्न इन बटन पर क्लिक करना है। नीचे प्राइवेट कमेंट का बटन है, यहाँ पे आप अपना मैसेज लिख सकते हैं जो आप अपने टीचर को देना चाहते हैं। अभी मैं इसे ब्लैंक छोड़ता हूँ और टर्न इन बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही टर्न इन बटन पर आप क्लिक करते हैं, ये आपसे एक बार फिर पूछेगा, डू यू रियली वॉन्ट टू टर्न इन योर होमवर्क, क्या आप सच में अपना होमवर्क सबमिट करना चाहते हैं। यस टर्न इन, और थोड़ी देर में आपका होमवर्क सबमिट हो जाएगा। बच्चों आप देख सकते हो नीचे स्क्रीन पर वर्क सबमिटेड आ गया है। अब मुझे बैक जाना है। मैं अब फिर अपनी क्लासरूम स्क्रीन में वापस आ गया हूँ, जहाँ पर आप स्क्रॉल करके अपने बाकी होमवर्क को भी देख सकते हैं। तो बच्चों आपने इस तरीके से अपना होमवर्क सॉल्व करना है। बच्चों अब हम चलते हैं क्लासरूम के बिल्कुल साथ वाले थर्ड ऑप्शन पे, जो बिल्कुल आपकी नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है,
थर्ड ऑप्शन पीपल का। बच्चों यहाँ पर आपको आपके इस क्लास में जितने भी टीचर्स ऐड हैं उनकी लिस्ट और व्यू ऑल के नीचे इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट दिखाई देगी। बच्चों अब मैं वापस स्ट्रीम बटन पर चलता हूँ। बच्चों अब हम अपनी स्ट्रीम स्क्रीन पर वापस आ गए हैं। यहाँ पे अब मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो है लाइव क्लास का ऑप्शन कि आप लाइव क्लास में कैसे ऐड हो सकते हैं। बच्चों आप अपनी इस स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक वीडियो आइकन देख सकते हैं, ये आइकन है लाइव क्लास का। जब भी आपकी लाइव क्लास होगी आपके टीचर आपको स्ट्रीम में इंफॉर्मेशन देंगे कि आपकी क्लास कल 10 बजे या 11 बजे है। जब भी आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है तब आपने क्लासरूम में आकर के और आपने इस वीडियो आइकन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वीडियो आइकन के बटन पर क्लिक करेंगे आप गूगल मीट के अंदर एंटर हो जाएंगे और आप अपनी लाइव क्लास को देख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो आइकन के ऊपर क्लिक करता हूं। तो बच्चों जैसे ही आप वीडियो आइकन पर क्लिक करते हैं आप इस गूगल मीट में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप वीडियो आइकन पर क्लिक करके लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको मल्टीपल गूगल क्लासेस में ऐड किया है, अब आप उन क्लासेस को कैसे देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे ऊपर ऑप्शन मेन्यू में चलते हैं। जैसे ही आप ऑप्शन मेन्यू पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं। आपने सबसे ऊपर क्लासेस बटन पर क्लिक करना है। तो बच्चों ये है आपके गूगल क्लासरूम की होम स्क्रीन। यहाँ पर आपके पास जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी क्लासेस आपको दिखाई देंगी। आप सबसे ऊपर प्लस बटन देख सकते हैं। बच्चों जैसे ही आप प्लस बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक ब्लैंक बोर्ड का ऑप्शन आएगा। मान लीजिए आप किसी क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आप उस सब्जेक्ट टीचर से उस क्लास का कोड पूछकर यहाँ पर एंटर करेंगे और आप ऑटोमेटिकली उस क्लास में एंटर हो जाएंगे। बच्चों आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने आपको पहले से ही सभी क्लासेस में ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसको क्रॉस करता हूँ। बच्चों जीमेल इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फॉर योर गूगल क्लासरूम। बच्चों गूगल क्लासरूम में मिलने वाले सभी असाइनमेंट का मैसेज आपके जीमेल में जाता है और स्कूल के जितने भी इम्पोर्टेंट मैसेज होंगे वो भी आपको जीमेल पर मिलेंगे। इसलिए आप रेगुलरली रोज जीमेल को चेक करने की आदत डालें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज आपसे मिस ना हो। तो बच्चों ये था आपके गूगल क्लासरूम का मोबाइल डेमो। आप खुद भी गूगल क्लासरूम के अलग अलग ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप गूगल क्लासरूम को अपने मोबाइल में चला पाएंगे। तो बच्चों मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।